ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की ये तस्वीर दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। इसराइल पर हमले के बाद हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला को याद करते हुए खामेनेई ने जो कहा उसे दुनिया बहुत ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि ईरान की धमकी को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता। नसरल्ला की मौत के बाद से ईरान सीधे तौर पर इसराइल से टक्कर ले रहा है। हालांकि ईरान ने ये जरूर कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर इसराइल अपनी मनमानी करेगा तो वो भी माकूल जवाब देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने भी इसराइल को चेता दिया है। उन्होंने हसन नसरल्ला की याद में ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर बात कही है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पिछले 5 साल में पहली बार नमाज के बाद भाषण दिया है। आयतुल्ला अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद कहा कि दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, हमें दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। साथ ही उन्होंने इसराइल पर फिर हमला करने की धमकी भी दी। इसराइल संग जंग में उतर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप में ये एकजुटता है तो खुदा का आशीर्वाद आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फतेह हासिल करेंगे। सुप्रीम लीडर ने इसराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमानों से भी आग्रह किया और कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें। उन्होंने कहा कि मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो, लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसराइल पर हम फिर हमला करेंगे। बता दें कि खामेनेई ने करीब 5 साल पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की है। खामेनेई ने कहा कि फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है, फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है, ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाएं। मस्जिद में संबोधन के दौरान सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम एक ही है और वे वहीं से आदेश लेते हैं। अगर दुश्मन को एक देश से राहत मिलती है तो वह दूसरे देश में चला जाता है। फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का हक है जिससे उनकी जमीन पर कब्जा लिया है और उसके जीवन को बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीनियों का बचाव करना जायज़ है और उनकी मदद करना भी जायज़ है।